friends, welcome back to my YouTube channel, Kids Agruma. I'm Agruma and Ryan. So, आज हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं. वो एक हिली एरिया है. मैंने आपको हिंट तो दे दिया, अब आपको कमेंट में आंसर देना पड़ेगा. तो हम उस हिली एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, स्पिरिचुअल प्लेसेस और पूरे फेमस स्पॉट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे. और हम लोग रेडी भी हो चुके हैं, वाइन भी रेडी हो चुका है. हाय बोलो. हाय. तो तब तक बने रहिए हमारे साथ. और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिएगा उसका आंसर जो मैंने दिया था. हिंट क्विज था वो आपके लिए. ठीक है, तो बाय बाय. बाय बाय. सो गाइस, अब हम लोग मेट्रो में आ चुके हैं और अब मैं बैठ रही हूँ. और अभी आया है स्टेशन में वैशाली आया. सो गाइस, अब मैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे आ चुकी हूँ. आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और यहाँ वो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन. और यहाँ वहाँ से हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेंगे और फिर वो वंदे भारत एक्सप्रेस हमें पहुँचाएगा अपने डेस्टिनेशन पे. उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हिंट का आंसर भी जब हम लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे. चलते हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और हमारी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है यार्ड में. और इसका डिपार्चर टाइम है 5:50. इससे पहले ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाएगी. उसके बाद मैं करूँगी इसमें बोर्ड और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी एक्सटीरियर और इंटीरियर व्यू ऑफ वंदे भारत. सो स्टे ट्यून्ड विद मी. सो गाइस, अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है और ये देखिए इसका एक्सटीरियर व्यू एकदम बुलेट ट्रेन जैसा लगता है. ये हाई स्पीड ट्रेन है और ये इंडिया के वेरियस प्लेसेस पे रन करती है. तो चलिए अब आपको बोर्ड करके फिर इंटीरियर व्यू दिखाती हूँ. अभी टाइम हो चुका है 5:52. गाइस, अब हम लोग मेरठ सिटी पहुंच चुके हैं. नहीं, कचौड़ी टाइप का है कुछ. ये देखिए गाइस,
सो गाइस, अब हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और मेरा इस ट्रेन के अंदर एकदम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। और ये एकदम फास्टर ट्रेन है और ये 3 hours 15 minutes में हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी दी और बहुत अच्छा लगा था। और ये इसमें सिर्फ चेयर्स लगे होते हैं, नो स्लीपर्स। तो गाइस, अब हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और अब मैं आपको वो जगह बताने वाली हूँ। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट आंसर? दैट आंसर इज हरिद्वार, उत्तराखंड। देखिए हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। जो मॉर्निंग में आपको ले चलेंगे हरिपौड़ी। तो देखिए यहाँ पे शंकर जी भी हैं, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ हर की पौड़ी। तो देखिए हर की पौड़ी का रास्ते का व्यू, और देखिए हम लोग गंगा जी के ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। और देखिए मैं जा रही हूँ फुटओवर ब्रिज से। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फुटओवर ब्रिज हैं जो हर की पौड़ी को कनेक्ट करते हैं, और मैं उसमें थी सुभाष घाट, जहाँ से मैंने फुटओवर ब्रिज के थ्रू मैं अब पहुँच चुकी हूँ हर की पौड़ी। अब देखिए हर की पौड़ी का व्यू, और देखिए अभी तो मॉर्निंग आवर है, अब जैसे लग रहा है कि इवनिंग होने वाली, नाइट होने वाली है। वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। सो गाइस, देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हरिद्वार में अब कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, सुरेश्वरी देवी मंदिर, और राजा जी नेशनल पार्क, और बहुत सारी क्लोज एरियाज पे आप घूम सकते हैं हरिद्वार में। और आप आउट ऑफ हरिद्वार भी घूम सकते हैं, जैसे कि मसूरी, ऋषिकेश, कैंपटी फॉल, और बहुत सारी जगह हरिद्वार में जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।